हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टैक्स फॉर वेल्थ। आज हिमांशु जी हमारे साथ हैं। तो हिमांशु जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि पीपीएफ और ईएलएसएस में किस में इन्वेस्ट करें। तो हिमांशु जी, आप हमें बताएंगे कि पीपीएफ और ईएलएसएस में क्या फ़र्क है? देखिए, पहली चीज़ की अभी तो ईयर एंड भी हो रहा है, तो हर जगह जितनी भी कंपनी है वहाँ एचआर ने भी प्रेशर बना रखा होगा कि आप अपने डिक्लेरेशन दें। उसमें ऐसे जनरल एक क्वेरी रहता है कि पीपीएफ अच्छा है या ईएलएस अच्छा है। देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन अच्छा, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे हम लोग यंग लोग हैं, हो सकता है कि हमारे पास रिस्क लेने की जो एपेटाइट है, जो रिस्क लेने की क्षमता वो ज़्यादा है, तो हमारे लिए ईएलएस अच्छा हो सकता है। लेकिन हर आदमी का अपना कंडीशन होता है, अपने इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हिमांशु जी, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इसमें, ठीक है? तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए, सबसे पहले सेक्शन 80C में क्या है? देखिए, 80C में क्या है कि इसका कंपैरिजन, अगर हम जो बात कर रहे हैं, एक कंपैरिजन इसलिए पॉसिबल नहीं कि दोनों दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन कंपैरिजन इसलिए हो जाता है क्योंकि दोनों 80C में है। अगर ये 80C में नहीं होता तो इसकी कंपैरिजन की ही नहीं जा सकती है, क्योंकि पीपीएफ डेट बेस होता है, उस पर एक फिक्स्ड आपको इनकम आती है, और ईएलएस क्या है कि एक इक्विटी बेस होता है, यानी कि मार्केट में उसको इन्वेस्ट किया जाता है और आपका पोर्टफोलियो मैनेजर होता है जो उसको मैनेज करता है। तो एटीसी क्या है कि ये एक बेसिक डिडक्शन है, यानी कि जो सैलरी होती है उस सैलरी में जो बेनिफिट के लिए आप टैक्स डिडक्शन के लिए जो काम करते हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो एटीसी में 1,50,000 रुपये तक की लिमिट दी गई है जहाँ आप पीपीएफ या ईएलएस में इन्वेस्ट करके बेनिफिट ले सकते हैं। इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते, सिर्फ 1,50,000 ही ले सकते हैं हम इसमें। डिडक्शन हमारी लिमिट 1,50,000 की है। आप इन्वेस्ट ज्यादा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बेनिफिट 1,50,000 का ही मिलेगा, उसके ऊपर का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, तो इसमें अगली बात करते हैं टैक्सेशन। तो इसमें टैक्सेशन क्या है? देखिए, दोनों के दो टैक्सेशन होते हैं। पीपीएफ क्या होता है, एक कैटेगरी होता है ईईई, यानी एग्जम्प्ट, यानी अगर पीपीएफ में आपने पैसा लगा दिया तो लगाते समय बेनिफिट है, वो भी आपको टैक्स फ्री है। इंटरेस्ट अक्रू किया वो भी टैक्स फ्री है। जब आप उसकी मैच्योरिटी करके पैसा निकालते उस समय भी फ्री है, कोई टैक्स नहीं है। लेकिन ईएलएस में अलग है, उस पर कैपिटल गेन होता है। हम आएंगे कि क्यों, किस में लगाएं। उस पर कैपिटल गेन होता है अगर आपने ईएलएस में पैसा लगाया, उस पर 10% का टैक्स रेट है अगर आपकी इनकम 1,00,000 रुपये के ऊपर है तब जी। अगर 1,00,000 के नीचे है तो नहीं, लेकिन पीपीएफ में यह बेनिफिट है, उसमें कहीं कोई टैक्स नहीं लगने वाला, उसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है जी। तो इसमें लॉक इन पीरियड क्या है हिमांशु जी? दोनों में देखिए अलग अलग लॉक इन पीरियड है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे हम रिस्क की बात करें, हम दो जगह रिस्क की बात करेंगे और इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, जहां एक रिटर्न और लॉक इन पीरियड। दोनों में अलग अलग लॉक इन पीरियड होता है। पीपीएफ में 15 साल के लिए पैसा लॉक हो जाता है, यानी कि अगर मैं देखूं कि मेरे पास पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं है, फ्यूचर में मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, तो पीपीएफ मेरे लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर मेरी एक्सपेक्टेशन ये भी है कि मुझे ज्यादा रिटर्न आए, तो पीपीएफ फिर नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब मैं बात करता हूँ कि जिनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है, 45 या 50 के आसपास है, वो चाहते हैं कि मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, टैक्स सेविंग भी करना, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको फिक्स आना है। ईएलएस में कुछ गारंटी नहीं है, पहले ये आप समझ लें। जो लोग कहते हैं ना कि इतने परसेंट की कोई गारंटी नहीं, वो तो आप मार्केट बेस काम हो रहा है, मार्केट में पैसा लग रहा है, हो सकता है आपको 20% भी आ जाए, हो सकता है कुछ भी नहीं। पीपीएफ भी अच्छा है इसमें। तो हाँ, वो अगर मैं वही बात कर रहा हूँ कि अब ये आपके ऊपर है कि आपको कितना रिस्क लेना है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, पीपीएफ बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज, कोई टैक्स भी नहीं है, जब आप विड्रॉ करेंगे तब भी नहीं है, इंटरेस्ट पे भी नहीं है। ईएलएस में ये नहीं है। लॉक इन पीरियड ईएलएस में एक फायदा है कि 3 साल का लॉक इन पीरियड है। 3 साल के बाद आप उसको पार्शियली निकाल सकते हैं, अलग अलग प्रोविजंस हैं। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा निकाल लीजिएगा, पार्टली निकाल सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है। ये पीपीएफ के साथ भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप उस पर लोन वोन भी आप चाहें तो इश्यू हो जाते हैं, लेकिन वहाँ 15 साल का लॉक इन है, यहाँ 3 साल का लॉक इन है। ये सबसे बड़ी बेनिफिट की बात है। ये अब आपके ऊपर है कि आप अपना रिस्क देख लें कि आपको क्या करना है। यंग लोग को तो मैं प्रीफर करूंगा कि ईएलएस में जाएं, वहाँ रिस्क ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है, पैसे डूबने के भी पूरे चांसेस हैं। तो अगर मानसू जी, इसमें रिटर्न्स क्या है, मतलब दोनों में रिटर्न्स में क्या फर्क? देखिए, रिटर्न्स में क्या है कि एक, पहले ही मैंने बताया कि कंपैरिजन क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि एक डेट बेस है। डेट का मतलब यह है कि मैंने किसी को उधार दिया, उसके बदले में मुझे, लेमन लैंग्वेज, मैं टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जा रहा हूँ, कि मैंने किसी को, आपको पैसे दिया और आपसे मैंने गारंटी ली कि आप मुझे ये अमाउंट देंगे। पीपीएफ कहता है कि 7.9% आपको बेनिफिट दिया जाएगा पर ईयर, यानी कि अगर आपने पीपीएफ में पैसा लगाया, सिनारियो कुछ भी हो, इकोनॉमी डूब जाए, कुछ भी हो जाए, आपको उतने पैसे मिलने हैं।
ELSS में ऐसा नहीं है। ELSS क्या है कि आपका मार्केट बेस है, वो पैसा इक्विटी के फॉर्मेट में मार्केट में स्टॉक मार्केट में वो पैसा लगता है, उसके अपने मैकेनिज्म भी, ऐसा नहीं है कि वो डे ट्रेडिंग हो रहा है, उस तरह से नहीं होता। उसमें बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर बैठे होते हैं जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और रिस्क के एपेटाइट को भी कोशिश करते हैं कम करने। जनरली देखा गया है कि ELSS में एक अच्छा रिटर्न आता है जी। देखा गया, लेकिन ये कोई थंब अच्छा रिटर्न है लेकिन वही फिर डिपेंड करता है कि 7.9 है और ELSS में हो सकता है 12% 14% आपको मिल जाए, लेकिन इसमें रिस्क है। हाँ, लेकिन अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं, ये सोच के कि हो सकता है वो 4% का भी हो जाए, हो सकता है 16% का, ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट, आपने जिस कंपनी में लगाया उसकी कंपनी। ELSS पे अगर आपको देखना हो तो हमने एक बहुत डिटेल ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जहाँ केवल हमने ELSS के बेसिक पॉइंट चेकिंग की भी बात की है, तो आप नीचे आप वीडियो जाके सर्च भी कर सकते हैं। उसमें अगर आप ये जानना चाहें कि ELSS कैसे परफॉर्म करता है, कैसे लगाना चाहिए, तो उसका एक हमने सेपरेट बना रखा है। लेकिन मानशु जी, मैं लास्ट उस पर आती हूँ, तो जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं इस वीडियो को। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखिए दोनों में इन्वेस्टमेंट के दोनों ऑप्शन है, एक तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हर मंथ, दूसरा लमसम भी कर सकते हैं और ऑनलाइन होता है, तो किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आप मंथली चाहें कि SIP के फॉर्मेट में लग जाए, SIP के फॉर्मेट में लग जाएगा, अगर आप चाहते हैं कि लमसम भी लग सकता है। और आज की डेट में ये इन्वेस्टमेंट दोनों बहुत आसान हो गए, आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू इजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि PPF और ELSS में एक बार फिर से मैं डिफरेंशिएटर बताऊं कि इसको अगर मैं कंक्लूड करने की बात करूं तो इसमें बेसिक दो पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान, एक तो आपने टैक्स सेविंग तो कर ही ली 1,50,000 की, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपको रिस्क कितना लेना और आपको रिटर्न क्या लेना है। बहुत लोग रिटर्न के लिए बात करते हैं, दूसरा बहुत लोग कहते हैं कि लॉक इन नहीं चाहिए। जैसे मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे दिमाग में एक चीज रहती है कि मुझे लॉक इन नहीं जाना, मुझे लॉक इन किसी प्रोडक्ट में नहीं जाना। ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। हो सकता है कि आपके पास पैसा पड़ा हो और आप चाहते हैं कि 10 साल मुझे उसका 15 साल कोई यूज नहीं है, तो ये अब आपकी स्ट्रैटेजी होगी। ये कहना बहुत मुश्किल है कि आपके लिए PPF अच्छा या ELSS अच्छा, ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है और आपको इस रिटर्न का, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना चाहिए। अब मैं कहूँ कि मुझे 25% रिटर्न चाहिए तो PPF में तो मिलना नहीं है, आपको ELSS में ही जाना होगा, हो सकता है किसी रिस्की प्रोडक्ट में जाना पड़े, तो ये बहुत ही मुश्किल है डिसाइड करना। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जिनके पास कम पैसे हों, सिक्योर करना चाहें, उनके लिए तो आँख बंद करके PPF अच्छा ऑप्शन है। PPF में जाएं, आपकी मैच्योरिटी पे भी टैक्स नहीं लगेगा, और अगर आप एक चीज़ और 7.9% का तो बेनिफिट है, अगर आप 30% के स्लैब में हैं तो आप सोचिए कि मैच्योरिटी पे वो भी टैक्स नहीं लग रहा है, तो अगर आप इसको ग्रॉस अप उल्टा सोचते हैं तो ये 10-12% का बेनिफिट आपको दे के जाएगा। उसमें लॉक इन पीरियड भी कम है PPF में, लॉक इन पीरियड 15 साल का, 15 साल का ELSS में कम है। तो अगर इसके अलावा आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप ड्रॉप बॉक्स में आके हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक चीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फायर TV, एंड्रॉयड TV और एप्पल TV पे भी हैं, साथ के साथ ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी, थैंक यू।